सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम बीए द्वितीय वर्ष में कृदंत प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक धातु से लगने वाले प्रत्यय, दूसरे होते हैं शब्दों से लगने वाले प्रत्यय। शब्दों से लगने वाले जो प्रत्यय हैं उनमें प्रातिपदिक, आबंध जिनके अंत में आ होता है, और ग्यंत जिनके अंत में गीप, गीश, गीन, ये प्रत्यय होते हैं। धातु से लगने वाले प्रत्ययों में भी प्रथम वे प्रत्यय हैं जिन प्रत्ययों के लगने पर तदंत उस शब्द की पुनः धातु संज्ञा होती है, जैसे सन, यंग, अणिच, अणिंग, यक और ईग, यंग। ये ऐसे प्रत्यय हैं जब धातु से लगते हैं तो उस शब्द की, उस धातु की क्या होती है, पुनः धातु संज्ञा होती है। और कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो धातु के बाद लगते हैं, लकार वाले जितने भी प्रत्यय हैं वो सभी धातु के बाद लगते हैं और ये लकार प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें भी क्या है, ये 18 प्रत्यय हैं। प्रथम 9 प्रत्ययों को प्रश्नपद प्रत्यय कहा जाता है, उनमें तिप, तस, जी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस, जिससे रूप बनते भवती, भवतः, भवंती। और इसी में जो सूत्र ये एक ही है, इसी के प्रथम 9 प्रत्ययों को प्रश्नपद प्रत्यय कहा जाता है और इसी के बाद वाले 9 प्रत्ययों को, बाद वाले सूत्र के हिस्से को क्या है, आत्मनेपद प्रत्यय कहा जाता है। उनसे जो आत्मनेपद के रूप बनते हैं, जैसे मोदते, मोदेते, मोदन्ते, छोट रूप में इसी सूत्र को, छोटे रूप में इसी सूत्र को क्या कहा जाता है, तिंग प्रत्यय। क्योंकि तिप्तस जी के ती से लेकर के लास्ट जब सूत्र जहाँ समाप्त होता है वहाँ तिंग का, वहाँ महिंग का गय है, अगर इसका छोटा रूप करते तो क्या बन जाएगा, तिंग। इसके अलावा भी इन प्रत्ययों से अलग भी इन लकार के जो प्रत्यय हैं इनके लगने के बाद, ये लगते हैं इनसे पूर्व जो प्रत्यय लगते हैं वो प्रत्यय हैं शप, शनम, सना, शे, ताश, शे, ऊ आदि। इन प्रत्ययों को विकर्ण कहा जाता है, क्योंकि प्रत्ययों का सबका अलग अलग नामकरण है। पूर्व वाले प्रत्यय लकार वाले प्रत्यय तिंग प्रत्यय कहलाते हैं और ये बाद वाले प्रत्यय शप, सनम, सना, ऊ आदि जो लगते हैं इनको विकर्ण कहा जाता है। अब जो तीसरा प्रकार है उनको क्या कहा जाता है, कृदंत या कृत प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय कृत होते हैं और कृत प्रत्यय लगने पर जो शब्द बन जाता है उसको क्या कहते हैं, कृदंत शब्द। ये कृत जो प्रत्यय हैं ये धातु के बाद लगते हैं। इसमें मैंने जो मुख्य मुख्य जो प्रत्यय हैं, मुख्य प्रत्ययों में कत्वा, जप, जूट, क्षत्री, शानत, कत, कतवधु, अणौर, त्रिज, तव्यज, अनिय, यत, क्यप, अण्यत, तुम, नीणी, धिनु, अणमु और त्रिन। इस प्रकार से ये 19-20 प्रत्यय हो जाते हैं। प्रत्यय और भी इससे भिन्न भी है, लेकिन बीए द्वितीय वर्ष के जो सिलेबस में है वहाँ केवल 14 प्रत्ययों का ही हमारे सिलेबस में विधान किया हुआ है। उन 14 प्रत्ययों का, जिनका कि हम संस्कृत के वाक्यों में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग देखते हैं, तो उन प्रत्ययों में मुख्य रूप से कत्वा, जप, ड्यूट ये प्रत्यय हैं जिन प्रत्ययों का बाद में विस्तार से वर्णन करेंगे और इन प्रत्ययों को हम सूत्रों के साथ समझेंगे कि इनका प्रयोग कब होता है, कैसे होता है, क्या ये भूतकालिक प्रत्यय है या वर्तमान काल में भी प्रयोग होता है, या इनमें कुछ प्रत्यय ऐसे भी हैं जिनको जो भविष्य काल में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आज
इतना ही, धन्यवाद।